ये इसे कहते हैं चिकन करी. दिस इज रियली बेस्ट, द बेस्ट चिकन करी इन इन सदर बाजार. ये कितने साल पुरानी शॉप है सर? ये मेरे फादर ने 79 में लगाया था. 79 में साइकिल पे लगाया था. साइकिल पे. और मज़ेदार चिकन करी आ चुकी है. ये चेस्ट है. ये कितने रुपये का? ये भी 220. क्या बात है. गर्मा गर्म उबलता हुआ चिकन और मटन. भाई सर्दियों के मज़े तो यही है. सब्सक्राइब कीजिए दिल से फूडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फूड ब्लॉग्स देखने के लिए. तो भैया आज हम आए हैं सदर बाज़ार में. ठेला नहीं चला रहे आज, पर हम खाने वाले एक बढ़िया सा मटन, क्योंकि सर्दियां आ गई हैं. तो हम आ गए हैं सरदार जी मीट वाले पे, जो कि है सदर बाज़ार में कुतुब रोड पे. तो चलिए दिखाता हूँ आपको मैं बढ़िया सा मटन और कैसा है, कितने रुपये का, और कुछ लोगों से बात भी करते हैं. बहुत सारे लोगों ने बोला था भैया मटन की रेसिपी चाहिए, मटन चाहिए. रेसिपी तो मैं बनाऊंगा. मैंने क्या कहते हैं, आज मटन टेस्ट करने वाला हूं, फिर एक और मटन टेस्ट करूंगा और फिर बनाऊंगा घर पे खुद की रेसिपी. पर आज जो खाने आए हैं पहले वो तो खा लें. आइए. तो ये देखिए, एक प्लेट कीमा कलेजी खा चुके हैं भाई साहब. क्या नाम है आपका? मोहित. मोहित जी, आपका नाम क्या है? प्रीति. आपको टेस्ट कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा टेस्ट लग, और असली लग रहा है और फ्रेश लग रहा है. क्या बात है. हर जगह खाती नहीं है, यहाँ का अच्छा लग रहा है. आप पहली बार आए हैं? हाँ जी, सदर बाजार ही पहली बार आए हैं. काफी भीड़ भाड़ है. दो तीन ब्रांड से लेते हैं, ज्यादातर इजी ऑन स्टमक नहीं होता ना इतना, तो इसीलिए तो घर जैसा लग रहा है बिल्कुल. बहुत बढ़िया. आप देखो बाइक के ऊपर रख के लंच हो रहा है और क्या लोगे. कुछ ऐसा नहीं है चटनी में कि गला खराब होने वाला है. तो ये इन्होंने बोनलेस मटन लिया है, साथ में तवा रोटी है. अगर मैं बोलूँ 10 में से रेटिंग देने के लिए, कितनी रेटिंग दूंगी? मैं तो बहुत कम खाती हूँ, तो 9 तो दूंगी. और आप? बिल्कुल जी 9. 9. क्या बात है. ये दोनों ही मेरे भाई बहन नहीं है, क्योंकि मैं 10 10 10 10 देता हूँ. तो आप ज़रा हम भी टेस्ट कर लें यार, कि क्या क्या मिलता है देखते हैं और फिर टेस्ट करते हैं. आपका क्या नाम है भैया? कुमार पाल. भाई ये बड़े देर से मज़े से चिकन चावल खाए जा रहे हैं, चिकन करी एंड राइस. आप बताओ पहले टेस्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा, सही है. अगर मैं बोलूँ 10 में से नंबर देने के लिए? 10 में तो 8 है कम से कम. 2 पे काट लिए. ये मेरा भाई नहीं है. अगर मैं बात करूँ, आप कितने टाइम हो गए आपके यहाँ? मैं हर हफ्ता आता हूँ, बुधवार में. मतलब वेडनेसडे यहाँ? हाँ सही है जी. सदर बाजार आना है तो मतलब यहाँ पे? जी जी जी. क्या और दोस्त भी आते हैं मेरे, जो और दोस्त भी आते हैं खाते हैं यहाँ पे आके. हमेशा यही खाते हो जी? अभी दूसरा चीज़ें ट्राई नहीं किया? मटन वटन मर्जी है यही. क्या बात है. तो चलिए ज़रा अब हम देखिए ज़रा क्या क्या मिलता है यहाँ पे, कितने रुपये का है, क्या टाइमिंग है, और कुछ भैया से भी बात करते हैं कितना साल पुरानी शॉप है. चलिए ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से चिकन करी को नहलाया जा रहा है. आपका क्या नाम है भैया? राहुल. राहुल जी कितना टाइम से आ रहा है यहाँ पे? 10 साल हो गए भैया. 10 साल? और मतलब लंच यहाँ करना है? हाँ, लंच यहाँ करना है. महीने में कितनी बार आ जाते होगे? 4 बार. 4 बार? कम से कम 4 बार. तो भैया सदर बाज़ार आना मतलब कि सरदार जी के यहाँ का चिकन करी या मटन खा के ही जाना. और मैंने खा के भैया से पूछते थे कैसा लगा भैया का टेस्ट. बढ़िया. मैंने खा ये रहे हैं, मुँह में पानी मेरा आ रहा है. 10 में से कितने नंबर दोगे अगर बोलूँ तो? 10. ये मेरे भाई देखा, इतने लोगों से पूछ लिया पर ये मेरे भाई निकले. और ये भैया खा रहे हैं मेरे सर. आपको कैसा लग रहा है टेस्ट भैया? बढ़िया. बहुत बढ़िया भैया. आप भी 10 में 10? हाँ जी भैया. क्या बात है. 12 भी दे रहे हैं. 10 में से 12 भी दे रहे हैं ये भैया. यार आप मेरे से रुकने जा रहे हैं, आप चलते हैं और ऑर्डर करते हैं. चलिए क्या किसी का ऑर्डर आया? क्या है? कीमा कलेजी. कीमा कलेजी है किसी का ऑर्डर आया? कीमा कलेजी. अब ये कीमा कलेजी डल रहा है, पहले ये हो जाए उसके बाद हमने. देखो ये देखो नीचे, ये है जन्नत का कुआं. क्या बात है. बहुत बढ़िया. कितने का एक प्लेट कीमा कलेजी? 140. ये फुल है? ये 140 की है. ये फुल कितने की है? 340. ये लो जी हाफ आ रही है. ये भाई देख के कितना बढ़िया लग रहा है, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, ढक्कन हटा हुआ है. तो इसी के अंदर ही चिकन भी मिलेगा, मटन भी मिलेगा. क्या बात है. ग्रेवी सेम है. ओहो मनमीत भाजी, ये खाएंगे हम. ये लेग पीस खाएंगे, बढ़िया वाला फुल लेग खाएंगे. मनमीत एक्चुअली मटन नहीं खाता ना, तो ये हर जगह जाके बोलता भाई चिकन वाली जगह चलो. ये लो जी, आप आ जरा हम भैया से बात करते हैं. क्या लगाना है?
चिकन, एक और चिकन हाफ में आ गया। टंगड़ी वाला है क्या? टंगड़ी वाला। ये देखो जी टंगड़ी डल गई, अब ये ग्रेवी चाहिए। 220 रुपये। 140 रुपये। कौन सी दोपहर वाली? बड़े वाली। फुल लेग का ऑर्डर आ गया, लोगों ने चेंज कर दिया ऑर्डर, क्या बात है। ये है मेरे पीस, ये खाने आता हूँ मैं यहाँ पे, जब भी यहाँ पे आता हूँ मैं ये खाता हूँ। ये देखिए ये कितने साल पुरानी शॉप है सर? ये मेरे फादर ने 79 में लगाया था। 79 में साइकिल पे लगाया था। साइकिल पे? साइकिल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब 79 कितने साल हो गए? 38 साल। 39 ईयर्स हो चुके हैं यहाँ पे। और अगर मैं आपको टाइमिंग की बात करूँ तो ये टाइमिंग इनके होते हैं, फुल प्लेट की मकली चावल है, हाफ मटन है और रोटी। टाइमिंग इनके है 240 से 240। कितने बजे आते हो आप? 1 बजे। और कितने बजे तक रहते हो? 5-6 बजे तक। 5-6 बजे तक, जब तक मार्केट खत्म होगा तब तक है। संडे भी आते हो? संडे नहीं आते हो। ट्यूसडे? ट्यूसडे रामे जाओ पालक पनीर और पूर्णमासी को रामे जाओ पालक पनीर। क्या बात है, मतलब कि बाकी सब जगह पे, बाकी सब डेज पे आपको 1 बजे से 5 बजे तक मटन मिलेगा, चिकन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जो भी यहाँ मिलता है। चिकन मटन सूप भी है यहाँ पे, अगर आपको सूप पीना है। साथ में तवा रोटी मिलती है, प्याज है, नींबू है, लोग मज़े से खाना खा रहे हैं। आपको दिखा रहा हूँ मैं, आपको देखो मज़ेदार खाना खाया जा रहा है लोगों का। किसी ने कलेजी लिया है, किसी ने चिकन लिया है, किसी ने मटन लिया है, और इनके पास बिरयानी भी है। तो चलिए अब ज़रा हम टेस्ट करते हैं। एक फुल लेग लगा दीजिए मेरे लिए और रोटी खाऊंगा। फुल लेग, ये देखा, ये रहा मेरा फुल लेग। ये क्या बात है, ग्रेवी बहुत बढ़िया है। तो इसी के अंदर पकता रहा सारा सामान? कितना टाइम से पक रहा है? सुबह से पक रहा है। क्या बात है, 2:30 बज चुके हैं, 2.5 घंटे से ये पक रहा है। और अगर आप कभी भी यहाँ पर आए ना, यहाँ पर अगर किसी को पहुँचना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका सीपी से रास्ता है। सीपी से रास्ता है, सीपी से आप नई दिल्ली स्टेशन पाड़गंज साइड से आए। हाँ जी, हाँ जी, चला गया, कहीं मुड़ना नहीं है आप। ठीक है जी। और ये देखो जी, ये इसे कहते हैं चिकन करी। दिस इज रियली बेस्ट, द बेस्ट चिकन करी इन सदर बाज़ार। कुतुब रोड है ये और सदर बाज़ार कहते हैं इसे। 1 बजे से 5 बजे तक यहाँ पर आके आप इसके मज़े ले सकते हो। चिकन के, चिकन सूप भी है, मटन सूप भी है, मटन सूप भी है। ये देखिए जी बढ़िया। कितने रुपये की प्लेट है ये? 220 रुपीज़। और मज़ेदार चिकन करी आ चुकी है, ये मैं यहाँ रख देता हूँ। छोटा सा टेबल है मेरा और यहीं पर ही खड़े होकर हम खाएंगे, साथ में रोटी दे देना। ये रहा चिकन करी, फोटो ले चुके हैं हम और अब टेस्ट की बारी है। अब इसको कितनी रेटिंग दोगे यार? इसको तो मैं बिना खाए 10-10 रेटिंग दे सकता हूँ। ये देखने में इतना सुंदर लग रहा है। तो अब टेस्ट करते हैं सिंपल घर की रोटी। प्याज चटनी लगी। रोटी कितने रुपये की आती है? सर 20 रुपये की तीन। 20 रुपये की तीन रोटी, क्या बात है। ये देखो, लुक एट दिस। हेलो बॉय, हेलो मेरे प्यारे, क्या बात है। टेस्ट वाकई बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। ये देखो जी, पीस देखो उधर, ये चेस्ट है, ये कितने रुपये का? ये भी 220। क्या बात है, गर्मा गर्म उबलता हुआ चिकन और मटन, भाई सर्दियों के मज़े तो यही है असली। तो मैं आपको बता दूं कि आप बोल रहे हो यार बहुत मटन मटन की रेसिपी आ रही है, वीडियो आ रही है, अब यार सर्दी है तो सर्दी में मटन से बढ़िया और क्या मिलेगा आपको। तो इसलिए हम नॉनवेज थोड़ा शूट कर रहे हैं। भाई बहुत बढ़िया, सूप भी दे बढ़ाए और रोटी भी लगा दे। सारा जो फ्लेवर है ना इसी ग्रेवी में है।
ग्रेवी अगर इतनी ज़्यादा धीमी आँच पर पकती है तो ऑब्वियसली फ्लेवर तो चप के बढ़ता ही है। ये देखिए, हाँ 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 जी हाँ जी, राम राम जी, आ जाओ जी, आ जाओ सर, आ जाओ आ जाओ, क्या बात है, बड़ा ढूंढ तुम्हारे को, बड़ा लाइक करता हूँ। यहाँ खाए नहीं आपने कभी? हाँ खाए हैं, सरदार जी बताए हैं। क्या बात है, तुम्हारा तो सर कोई नहीं, ढूंढता रहता हूँ दिलसेफूडी को। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। ठीक, कभी कभी लोग मिल जाते हैं, थोड़ा अजीब लगता है एक्चुअली, कभी कभार तो लगता है कि कोई हेटर तो नहीं मिल गया, पता लगे यही मार रहे पकड़ के। तो अगर आपको भी ये ट्राई करना है तो आप कुतुब रोड सदर बाजार रेलवे स्टेशन की बैक साइड जो चाहिए सीधा चलते रहना, किसी भी पूछ लेना सरदार जी मीट वाले कहाँ खड़े होते हैं, कोई भी आपको बता देगा। 1 बजे से 5 बजे तक रेटिंग 10 में से 10, 220 रुपये की कीमत है जो ये फुल लेग है, और 20 रुपये की 3 रोटी है, मतलब 250 रुपये में आपका पूरा का पूरा लंच है, 2 बंदे आराम से खा सकते हैं। मैं इसे ख़त्म करता हूँ, आप आने का प्लान बनाओ, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा।